हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटीएस वेल्डर ट्रेड चैनल में। इस चैनल पे दोस्तों आपको वेल्डिंग से रिलेटेड थ्योरी, प्रैक्टिकल और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको आने वाली सारी वीडियो टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी थ्योरी की क्लास है, तो थ्योरी में टॉपिक है दोस्तों हमारा आज सेफ्टी, एडवांटेज ऑफ सेफ्टी और कैजेज ऑफ एक्सीडेंट। हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स इसका सिंपल फुल फॉर्म होता है दोस्तों ABC, ए ऑलवेज बी केयरफुल, बी मतलब बी, सी मतलब केयरफुल। ठीक है दोस्तों, ABC, ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेफ्टी की डेफिनेशन। सेफ्टी की डेफिनेशन दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। उसी तरह सेफ्टी डिक्रीज एंड एक्सीडेंट इंक्रीज। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी या बढ़ी। दिस लाइन शुड बी केप्ट इन माइंड बाय एवरी आर्टिसियन वाइल वर्किंग इन द वर्कशॉप। इस चीज़ को सभी कारीगर को अपने मन में ध्यान रखना चाहिए वर्कशॉप में काम करने के दौरान। एन एक्सीडेंट ऑफ इंसिडेंट इज ए कॉमन प्रॉब्लम वाइल परफॉर्मिंग इन द वेल्डिंग एक्शन। जब भी वेल्डिंग करते हैं तो यह एक आम समस्या है दुर्घटना होने की या घटना होने की। एनी अनसोलिसिटेड इवेंट इज कॉल्ड एन इंसिडेंट। कोई भी बिना चाही बुरी घटना ही दुर्घटना कहलाती है। एनी एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू नेग्लिजेंस, इनवर्टेंस एंड वायलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स। कोई भी दुर्घटना लापरवाही, असावधानी और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर ही होती है। ठीक है दोस्तों, एनी मेजर वी टेक टू अवॉइड दिस इंसिडेंट आर कॉल्ड सेफ्टी। इन घटनाओं से बचने के लिए जो उपाय करते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम एडवांटेज ऑफ सेफ्टी पर। एडवांटेज ऑफ सेफ्टी मीन्स होता है एडवांटेज लाभ, सेफ्टी सुरक्षा, तो सुरक्षा के लाभ। द रूल, द सेफ्टी रूल हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। सुरक्षा नियमों का पालन करने के लाभ। बोथ द फर्स्ट है, बोथ द ओनर एंड द वर्कर गेट इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स। मालिक तथा मजदूर दोनों को आर्थिक लाभ मिलता है। सेकंड है, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रीसियस मशीन्स आर प्रोटेक्टेड। प्रीसियस मशीन दोस्तों महंगी मशीनें होती हैं, जो औजार, यंत्रों तथा कीमती मशीनों की सुरक्षा होती है। देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उत्पादन में वृद्धि तथा आर्थिक लाभ होता है। फैक्ट्री गुड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर ETC। आग आदि से कारखाने के माल की सुरक्षा होती है। द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। यानी जो इम्प्लॉयज़ की जो जान है, कर्मचारी की जान, लाइफ सुरक्षित रहती है। किससे?
सुरक्षा से, लाभ से, एडवांटेज ऑफ सेफ्टी से। ठीक दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं कैजेज ऑफ एक्सीडेंट पे। कैजेज ऑफ एक्सीडेंट इसका मतलब होता है दोस्तों दुर्घटना होने के कारण। तो कैजेज ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैजेज एक्सीडेंट इन फैक्टर्स। इसमें जो मेन है उनके बारे में पॉइंट है, तो हम उनको देखेंगे। फर्स्ट हमारा है अननेसेसरी टच विद द वर्कर एंड मशीन, छेड़खानी करना। अननेसेसरी टच यानी कहीं भी अपने एम्प्लॉयज़ पे हाथ लगा देते हैं, जैसे कि सम टाइम्स एम्प्लॉयज़ जोक विच विद ईच अदर वाइल वर्किंग और एम्प्लॉयज़ टेम्पर विद ए मूविंग मशीन विच कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। कई बार कर्मचारी कार्य करते समय एक दूसरे से मजाक करते हैं, जोक करते हैं, या कर्मचारी चलते ही मशीन के साथ छेड़खानी करते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। सेकंड है दोस्तों नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट होता है अरुचि। प्रत्येक कर्मचारी एवरी एम्प्लॉयज शुड डू द वर्क विद राइट इंटरेस्ट। ही कैजेज एन एक्सीडेंट व्हेन ही एक्ट्स डिसइंटरेस्टेड। प्रत्येक कर्मचारी को कार्य में सही रुचि करना चाहिए। जब वह अरुचि से कार्य करता है तो वह दुर्घटना का कारण बन सकता है। इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञानता। बिफोर रनिंग एनी न्यू मशीन शुड गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट और एल्स एन एक्सीडेंट में ओकर। जैसे दोस्तों किसी भी नई मशीन को चलाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, वरना इससे भी दुर्घटनाएं घट सकती है। ठीक दोस्तों, तो ये हमने तीन पॉइंट देखा। चौथा पॉइंट है इसमें कैजेज ऑफ एक्सीडेंट में पोजीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। समटाइम्स अनसिल्टेड टूल्स आर एंड बैड मशीन कैन आल्सो केज एन एक्सीडेंट। स्पेस मस्ट आल्सो बी ओपन व्हेन वर्किंग एंड ऑन मशीन। मशीनों और औजार की स्थिति जैसे कि पोजीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। मशीनों और औजार की स्थिति, तो मैंने आपको बताया समटाइम्स अनसिल्टेड टूल्स, तो समटाइम अनसिल्टेड टूल्स एंड बैड मशीन्स कैन आल्सो कैजेज एंड एक्सीडेंट। स्पेस मस्ट आल्सो, तो दोस्तों इसमें जो होता है बिना हत्थे यानी अनसिल्टेड टूल्स, बिना हत्थे, जैसे आपने देखी होगी हथौड़ी पे ग्रिप लगी होती है, अनसिल्टेड होती है, उस पर अगर ग्रिप ना हो तो पकड़ नहीं बनती है। कई बार बिना हत्थे वाले औजार और ख़राब मशीन जैसे बैड मशीन का यूज़ करने से भी दुर्घटनाएं घट सकती है। फिफ्थ है हमारी विलिंगनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, उत्सुकता और अति आत्मविश्वास। द न्यू आर्टिसियन जो नया कारीगर होता है इज मोर इन क्लाइंट टू वर्क एंड आफ्टर लर्निंग ए लिटल वर्क ही फील्स डैट ही हैज लर्न्ड एवरीथिंग ड्यू टू विच ही बिकम्स एन एक्सीडेंट। जो नए कारीगर होते हैं कार्य को ज़्यादा लगन होती है उनमें करने की। आपने देखे होंगे कोई भी कारीगर आता है नया तो थोड़ा सा काम सीख कर
वह सोचता है मुझे सारी चीज आ गई, वह इस दुर्घटना का शिकार बन जाता है। सिक्स्थ है प्योर इन्वायरमेंट, यानी साफ सुथरा वातावरण। ठीक है दोस्तों, मशीन शुड बी केप्ट इन एन ओपन इन्वायरमेंट, यानी खुला वातावरण होना चाहिए, एंड फुल इम्यूनिनेस यानी रोशनी का भी इंतजाम होना चाहिए। क्लीनिंग शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ द वर्कशॉप, कार्यशाला में सफाई का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी जो मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी और एडवांटेज ऑफ सेफ्टी कैसेस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।